अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ लोगों का भी वेट करेंगे कि कुछ लोग आ जाएं तो हम इस सेशन प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम मुनीबुल हसन और मैं PhD कर रहा हूं। एक मिनट, काशिफ भाई का मैसेज है। काशिफ भाई, आप काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि इस टाइम पे आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही। ओके, परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन से। मैं इस टाइम स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया में PhD कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो इस टॉपिक का और सेशन का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि किस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और स्कॉलरशिप के साथ साथ किन क्या क्या वेज हैं किन स्कॉलरशिप्स को अचीव किया जा सकता है। एक एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिस्कशन होगी। सेकंड, रिसर्च एथिक्स और इंटीग्रिटी, रिसर्च इंटीग्रिटी के हमें किस टाइप की रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए जो कि हमें फर्दर आगे लीड करे स्कॉलरशिप की तरफ। तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। तो मेरे ख्याल से फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकूँ, नहीं तो सबसे पहले स्कॉलरशिप की जो टाइप्स हैं बेसिकली जो फर्स्ट एंड फोर इम्पोर्टेंट जो स्कॉलरशिप सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को मिल रही होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम RTP है, जो कि पहले IPRS भी थी। IPRS मतलब पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। तो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली सब यूनिवर्सिटीज़ को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उनको मिलते हैं कि आप इतने एप्लीकेंट्स पर ईयर या पर सेमेस्टर इनरोल कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है और हर यूनिवर्सिटी एक कह लें कि अपने हिसाब से इवेल्यूएशन करती है उन स्कॉलरशिप्स की। तो और ये गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती है, और रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। और सब यूनिवर्सिटीज़ का अपना क्राइटेरिया से मैन्युअली इवेल्युएट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रोल प्ले नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर रही होती है कि हर यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप जो है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की फंडिंग है। तो ये फंडिंग नॉर्मली मिल रही होती है जो असिस्टेंट लेक्चरर्स हैं इनको फंडिंग मिलती है। डिफरेंट फंडिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं डिपेंड अपॉन देयर प्रोजेक्ट कि उनके पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और वो प्रोजेक्ट की बेसिस पर फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं और उनको इस पे अपने प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे फंडिंग मिलती है। तो इसके ऊपर जितनी भी स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी, जो भी कह लें कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी इसके ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल के थ्रू, या फिर आप वो आपके लेक्चरर या फिर जो आपके सॉर्ट ऑफ सुपरवाइजर होंगे उनको फंडिंग मिलेगी और उसकी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तो उसके लिए प्योरली यही होता है कि हम अगर हमने ARC के किसी प्रोजेक्ट को टारगेट करना है तो हम उन लेक्चरर को कॉन्टेक्ट करेंगे जिनके पास उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी। इसके रिलेटेड कुछ लिंक्स हैं कि ARC में इस टाइम पे कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको सुपरवाइज कौन कर रहा है, उनके हेड कौन है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर फील्ड के डिफरेंट वेरी करेंगे, तो वो मैं लिंक्स इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। लेकिन ARC की जो स्कॉलरशिप है वो कह लें कि प्योरली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काम हो रहा है तो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा ARC की तरफ से, और फिर उस फंडिंग की बेसिस पे वो डिटरमिन करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स वो रख सकते हैं। तो ARC की फंडिंग, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की फंडिंग इस तरह से चलेगी। इसके बाद इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि टॉप पे आती हैं, लाइक और वो टॉप फील्ड्स भी डिपेंड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज़ पे काम कर रही है। अब अगर एक यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल में QS रैंकिंग में या फिर टेंथ हायर एजुकेशन रैंकिंग में नंबर 1 पर लाइक टॉप ऑर्डर में है, तो उनको उस तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे या फिर उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको ARC की फंडिंग उसके लेक्चरर्स को या फिर उसके प्रोफेसर्स को वो ज़्यादा मिलें एज़ कम्पेयर टू के किसी और यूनिवर्सिटी जो कि उस फील्ड में मैटर ही नहीं करती।
नॉर्मली जो टॉप फील्ड चल रही होती हैं वो इलेक्ट्रिकल की होती है, एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड काफ़ी अच्छी है, मटेरियल साइंसेस में, मतलब ये वो यूनिवर्सिटीज हैं कि जैसे अब मैं स्विनबर्न में हूँ, स्विनबर्न एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट पे रैंक करती है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में देखें तो उसको एस्ट्रोफिजिक्स की जो फंडिंग्स हैं वो ARC से बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है, और नॉर्मली 90 to 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आप कहें कि उनको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है इस फील्ड में। लेकिन अगर आप इसी में कहें कि किसी और फील्ड में जो जिसमें इसकी रैंकिंग बहुत लो है तो उसमें फंडिंग्स कम होंगी ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की। इसके बाद थर्ड जो आती है, थर्ड एरिना की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एरिना बेसिकली रिसर्च ग्रुप ओरिएंटेड स्कॉलरशिप्स हैं, और ये इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप्स में आप कह लें कि रेट करती हैं। इनके डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स हैं जो कि ओपन हो रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एरिना के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एक टॉपिक ओपन हुआ हुआ है ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल प्रोग्राम के नाम से, ARP के नाम से। तो आप उस प्रोग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, कौन से सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज उसके साथ एफिलिएटेड हैं। तो जो जो यूनिवर्सिटी उसके साथ एफिलिएटेड होगी तो उनके पास ये स्कॉलरशिप होगी और वो आपको एलोकेट कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो एरिना की स्कॉलरशिप्स हैं ये नॉर्मली चल रही होती हैं कि इंडस्ट्री के लिहाज से, कि मतलब हमें कुछ लोगों का ट्रेंड होता है कि उन्होंने सिंपल इंडस्ट्रियल साइड पर नहीं जाना, एकेडमिक साइड पर जाना है और प्योरली सिमुलेशन बेस्ड वर्क करना है। तो सिमुलेशन बेस्ड वर्क जो है वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए नहीं होगा एरिना में। एरिना नॉर्मली इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्कॉलरशिप हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें रैंक भी नहीं करती एरिना में, डिपेंड्स के कौन सी यूनिवर्सिटी रैंक कर रही है और आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हो। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर एक आती है, अच्छा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह एंड पे डील कर लेंगे, और इसमें इंशाल्लाह जो है ना हम क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको एंड पे डील कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इंशाल्लाह। अच्छा फोर्थ जो स्कॉलरशिप है वो Data 61 स्कॉलरशिप है। इसके जितनी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ इनिशियल लिंक्स और कुछ प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह एंड पर, ताकि अगर किसी ने बाद में भी इनको फॉलो करना है तो ईजिली इनको फॉलो कर सके। अच्छा जो नेक्स्ट है वो Data 61 स्कॉलरशिप हैं। Data 61 स्कॉलरशिप दो तरह की स्कॉलरशिप हैं, एक तो ये कि अगर आपको ट्यूशन फी स्कॉलरशिप मिल गई है तो आप, या फिर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिली हुई है तो आप उसको एज अ टॉप अप स्कॉलरशिप भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर। टॉप अप स्कॉलरशिप मतलब ये कि अगर आपको आपके पास फुली फंडेड, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया RTP की स्कॉलरशिप होगी या फिर ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की स्कॉलरशिप आपको मिली हुई है, उसकी आपको फंडिंग मिल रही है मंथली बेसिस पर, और आप उसके आगे कुछ और आपका जो रिसर्च एरिया है वो इंक्लाइन करता है आपके Data 61 के जो उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर, तो उनके साथ आप एक्स्ट्रा टॉपअप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि Data 61 में कितने मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और Data 61 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि Data 61 के जो सुपरवाइजर्स हैं वो किस किस यूनिवर्सिटी से लिंक है। Data 61 स्कॉलरशिप के सुपरवाइजर्स की एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की गई है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के स्कॉल जैसे डिकन यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा जो सुपरवाइजर्स हैं वो Data 61 से लिंक्ड होते हैं, और इस तरह से और यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस सुपरवाइजर को कॉन्टेक्ट करो कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए, और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लोगे एज़ कम्पेयर टू द वन कि आप किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करो जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं है। तो Data 61 के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप उनके देखो कि कौन कौन से सुपरवाइजर्स किस यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, तो और उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, क्योंकि नॉर्मली सुपरवाइजर्स Data 61 या CSIRO के साथ काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए ईजी होता है वो फंडिंग सिक्योर करना। इस तरह से फोर्थ नंबर पर Data 61 थी। फिफ्थ नंबर पर जो है वो नॉर्मली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स चल रही होती हैं। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स मीन्स ये कि हर यूनिवर्सिटी के कुछ जो है ना कह लें कि प्रोफेसर्स होते हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं स्कॉलरशिप, लाइक कि वो इतने स्टूडेंट्स पर ईयर या पर सेमेस्टर रख सकते हैं। जैसे अब हमारी यूनिवर्सिटी है स्विनबर्न, तो स्विनबर्न में जो हो रहा था एक स्कॉलरशिप है सुप्रा, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड, तो उसमें जो यहाँ पे फुल प्रोफेसर हैं उनको एलोकेट किया जाता है कि आप
पर ईयर 3 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट रख सकते हैं, और वो फिर प्योरली आप कह लें कि अगर आपको सुपरवाइजर अप्रूव कर देगा तो आपको आगे कम्पीट करना नहीं पड़ेगा, मतलब स्कॉलरशिप्स के लिए कि आपको सुपरवाइजर की फंडिंग से ही मिलेगी स्कॉलरशिप, और आपको ये स्कॉलरशिप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको जो फंडिंग मिलेगी वो सुपरवाइजर के थ्रू मिलेगी, और सुपरवाइजर का अप्रूवल सबसे ज्यादा मैटर इनमें करता है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड, या फिर इस तरह से मेलबर्न यूनिवर्सिटी की MRS है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, तो उसके अंदर मेन ही होता है कि आप जो सुपरवाइजर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी एलोकेट करती है कि आप इतने स्टूडेंट्स पर ईयर रख सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो 6th और लास्ट जो है हमारी स्कॉलरशिप की टाइप्स हैं वो सिर्फ सिंपल ट्यूशन फी स्कॉलरशिप है। ट्यूशन फी स्कॉलरशिप मीन्स के आपको सुपरवाइजर ये कह सकता है कि आपके मेरे पास फंडिंग नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर कर आपकी ट्यूशन फी ख़त्म कर सकता हूँ। उसमें होगा ये कि आपकी जो उस टाइम पे स्टडी के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उसको जो स्टूडेंट्स ट्यूशन फी स्कॉलरशिप पर आते हैं उसको ओवरकम ऐसे करते हैं कि वो फिर यहाँ पे टीचिंग करते हैं, लेक्चरशिप या फिर डिफरेंट कोर्सेज हैं, लैब्स आप टीच कर रहे होते हो, और वो भी इतना कह लें कि नेगेटिव उसमें नहीं है, ये भी विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि आपको पर और जो लेक्चर के मिलते हैं लाइक अप्रोक्सीमेटली $100 पर और या $80 पर और मिलते हैं, तो आप इजीली उससे आप कवर कर लेते हो, लेकिन उसका बैकऑल ये है कि आपको रिसर्च के साथ साथ आप उसके अलावा बाकी चीज़ों पर भी लाइक टीचिंग पर फोकस करना पड़ता है। तो अगर आप प्योरली कहना चाह रहे हैं कि मैंने फुल टाइम रिसर्च करनी है और मैंने उसको टाइम देना है, तो बेटर ये होता है कि आप स्टाइपेंड स्कॉलरशिप की तरफ आएं, लेकिन ट्यूशन फी स्कॉलरशिप इज नॉट बैड अगर आपको वो भी मिल रही है तो। अच्छा, ये 6 टाइप्स थी स्कॉलरशिप्स की जो कि नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में चल रही होती हैं। इसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट कैसे किया जाए और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो तो मैं कहूँगा कि आपकी CV जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप CV किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइक मेकिंग अ गुड CV इज इम्पोर्टेंट, बट CV शुड नॉट बी टू मच फैंसी और टू मच सिंपल। मतलब आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मॉडर्न CV के नाम से जो है ना एक टेम्पलेट चल रहे हैं, इसमें 2 कॉलम्स होते हैं और 3 कॉलम्स होते हैं, और अपने डिफरेंट कलरफुल CVs, बहुत ज़्यादा कलरफुल, एक तो नॉर्मल ठीक है नॉर्मल इज फाइन, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कलरफुल CVs जो है ना वो चल रही होती हैं, तो वो बेहतर नहीं है, वी शुड नॉट बी गोइंग फॉर दैट टाइप ऑफ CVs, ठीक है। और एक और जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं CV में वो ये होता है कि हम CV में लाइक कहते हैं कि इंग्लिश जैसे है तो लैंग्वेज लिखें इंग्लिश और आगे 4 स्टार लिख देंगे, तो हमें किसने रेट किया है, फिर हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारी इंग्लिश 4 स्टार में है या 3 स्टार में है या 2 स्टार में है, तो वी डू नॉट हैव अ पैरामीटर टू जज दीज थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ों से हमें अपनी CV में जो है ना वो कह लें कि अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज़ें, कि इंस्टेड ऑफ दीज हम इसमें जो है ना वो लिख सकते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज किस चीज़ में, लाइक नॉर्मली ये लिखा होता है कि कोई जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो उसमें लिखा होता है कि C++ और आगे 3 स्टार एडअप किए होते हैं, मतलब हमने अपना लैंग्वेज का पैरामीटर या फिर किसी भी चीज़ का को किसी पैरामीटर के थ्रू तो मैयर नहीं किया, तो हम खुद को रेट नहीं कर सकते, तो बेटर ये होता है कि हम अपनी एक्सपर्टीज लिखते हैं कि हम इसमें बिगनर हैं या फिर एडवांस लेवल पे हैं, किस लेवल पे हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो CV में हम कर रहे होते हैं। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर कभी भी आप यूरोपास फॉर्मेट में CV जो है ना वो शेयर ना करें, यूरोपास फॉर्मेट बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं चल रहा होता। आप कहें कि नॉर्मली हम यहाँ पर अक्सर CVs इवेलुएट कर रहे होते हैं, तो यूरोपास वाली फॉर्मेट में जो भी CV आती है तो उसको तो डायरेक्टली कह लें कि सेकेंड चांस ही नहीं दिया जाता। उसकी रीज़न ये है कि हम वो कहा जाता है कि इस पर्सन ने इतनी एफर्ट भी नहीं की कि अपना टेम्पलेट खुद सेट कर पाता, और इसने जस्ट ऑनलाइन जाकर एक इन्फॉर्मेशन पुट इन की और एक CV जनरेट कर लिया, तो कभी भी यूरोपास फॉर्मेट में CV ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना वो ना अप्लाई करें, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सजेस्ट करूंगा। अच्छा, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आइल्स के ऊपर, तो आइल्स हाँ आइल्स जरूरी है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखी है, मैं इंशाल्लाह एंड पे आऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट सा आंसर कर देता हूँ।
आइल्स इज कंपल्सरी, ठीक है, और 90 to 95% स्कॉलरशिप जो है वो आइल्स की बेसिस पर ही आपको, मतलब आइल्स जिनमें कंपल्सरी होगा वो आइल्स का स्कोर मिनिमम 6.5 और कुछ कंडीशंस में 6.5, नो लेस देन 6, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आइल्स इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ स्कॉलरशिप, तो जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आइल्स की तरफ लाजमी होना चाहिए। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जैसे कि मैंने सुप्रा की बात की, सनबर्न यूनिवर्सिटी के, और इस तरह से और कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप कहें कि आइल्स के बिना भी मिल सकती हैं, कि अगर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो, आपके पास कह लें कि उसका प्रॉपर प्रोफिशिएंसी लेटर हो, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हमें मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत ही अजीब सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर प्रोवाइड करती हैं कि वो क्लियर ही नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो उसकी बेसिस पे भी आपको कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, या फिर आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। कंडीशनल ऑफर लेटर मतलब ये कि आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन और स्कॉलरशिप दे देगी और कहेगी कि जब आप आइट्स इतना लोगे तो उसके बाद आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आपको कह लें कि अनकंडीशन ऑफर लेटर मिलेगा, इसके बेसिस पे आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे। तो आइट्स तकरीबन हर जगह पे ब्रिज होता है, और अगर कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अगर आप आइट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे आके 3 मंथ्स का कोर्स एलिस कोर्स होता है, लेकिन मुझे उसके बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि वो इंग्लिश कोर्स कर रहे होते हैं उसमें, तो मैं उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर आए हो तो आप इंग्लिश कोर्सेज पे अपना टाइम और एफर्ट लगाओ, वजह इसके कि आप रिसर्च की तरफ आओ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा, मूविंग बैक टूवर्ड्स आवर डिस्कशन, तो हमने सीवी के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आप ने एक अच्छी कवर ईमेल बनानी है। कवर ईमेल मतलब ये कि इस ग्रुप में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि कवर ईमेल, एक अच्छी कवर ईमेल किस तरह की होती है और किन बेसिस पे कवर ईमेल बनानी होती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये कि हमेशा आप कोशिश ये करें कि एक अच्छी ईमेल हो जो कि अट्रैक्ट करे सुपरवाइजर को, मतलब अगर आप खुद उस ईमेल को पढ़ें तो आपको फील हो कि आप ठीक एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। कोई लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखें। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन में अपने अपने इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कौन हैं, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सुपरवाइजर्स के पास इतनी ज़्यादा ईमेल्स आती हैं, इतने कह लें कि नंबर ऑफ ईमेल्स आती हैं कि दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो पूरा पढ़ें कि आपने ईमेल किस लिए लिखी है। और आप आखिरी लाइन में लिख रहे हो कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इट इज़ बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप ये ईमेल किस लिए लिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट कि कोई आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया मैंने ये किया, उससे बेहतर ये है कि आपने जो जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन से बेटर जो जो आपके अचीवमेंट्स हैं बेसिकली, कि लेट्स सपोज आपने कोई वर्कशॉप प्रेजेंट की थी या फिर आप कोई मेडलिस्ट हैं या फिर आपकी आपने इन इन चीज़ों पर रिसर्च में काम किया हुआ है, तो उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दें और कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बेशक बोल्ड कर दें, तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन देती है कि इसने टू द पॉइंट लिखा है। अब जब कोई भी सुपरवाइजर आपकी ईमेल ओपन करेगा वो अगर उसको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल्ड हुई नजर आएंगी और वो आप में इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली उस ईमेल को फर्दर रीड करेगा, अगर नहीं होगा तो वापस चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक अच्छी ईमेल लिखें। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो उस पब्लिकेशन को बुलेट की फॉर्म में लिख दें। हाँ, ये नहीं कि अगर आपकी 8-10 पब्लिकेशन हैं तो आप 10 की 10 बुलेट्स में लिख दें, उसमें 2-3 अच्छी पब्लिकेशन या 1-2 पब्लिकेशन जो अच्छी हैं या जो टॉप रैंक जर्नल में पब्लिश हुई है तो आप उसको बुलेट की फॉर्म में लिख दें, और बाकी बता दें कि मेरी 3 पब्लिकेशन है इन जर्नल्स में, या फिर इवन अगर कोई पेपर सबमिटेड है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं कि मेरा ये पेपर इस जर्नल में सबमिटेड है, इस कॉन्फ्रेंस में सबमिटेड है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से अगर आपकी पब्लिकेशन एक अच्छे जर्नल में है तो उसको डेफिनेटली हाईलाइट करें कि इस जर्नल में, उस जर्नल का नाम बोल्ड कर दें या फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर बोल्ड कर दें, ये चीज़ एक कवर ईमेल के लिए। इस तरह से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में जो इम्पोर्टेंट होता है, वैसे तो रिसर्च प्रपोजल जो आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसके लिए मतलब वो जो उसको इवेल्युएट कर देते हैं वो टेक्निकल लोग नहीं होते, लेकिन
और रिसर्च प्रपोजल नॉर्मली आपको सुपरवाइजर एक नया रिसर्च प्रपोजल भी बनाने को कहते हैं कि हम इस चीज़ पे काम करें, स्पेसिफिक फील्ड में काम करें। नॉर्मली आप जिसमें अप्लाई करते हो उससे कुछ ना कुछ वेरिएशन आती ही आपकी फील्ड में और आपके रिसर्च प्रपोजल में, और जो सुपरवाइजर हैं जो काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल पहले से ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि 2 से 3 रिसर्च प्रपोजल आपकी फील्ड के रिलेटेड प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि अगर सुपरवाइजर आपसे डिमांड करें कि आपके पास कोई रिसर्च प्रपोजल है तो आप उनको सबमिट कर सकें। रिसर्च प्रपोजल फील्ड टू फील्ड वेरी करता है कि हर एक का डिफरेंट टेम्पलेट होता है, डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल आपकी फील्ड का आपके पास मौजूद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, मतलब आप कहें कि 2 और 3 पेजेस रिसर्च प्रपोजल विद प्रॉपर रेफरेंसेस, दैट वुड प्ले द पार्ट। तो ये रिसर्च प्रपोजल के परस्पेक्टिव में है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो नॉन प्रोफेशनल ईमेल्स हैं। ईमेल्स हमेशा कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल ईमेल्स बनाएं, कि अब वो एक अच्छा इंप्रेशन देती हैं, मतलब आपके फर्स्ट नेम से, सरनेम से, उस तरह की ईमेल्स बनाएं। ये यहाँ तक रही बात है कि आपने अप्लाई करने के लिए इनिशियल प्रोसीजर्स क्या हैं, मतलब आपके पास एक अच्छी सीवी होनी चाहिए, आपकी कवर ईमेल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, और आपकी ईमेल प्रोफेशनल होनी चाहिए। इस तरह से जो आपकी ईमेल का सब्जेक्ट है वो बहुत मैटर करता है कि आप किस किस सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स की फंडिंग के लिए या फिर पीएचडी फंडिंग के लिए, और आप कोई रैंडम सब्जेक्ट कर रहे हैं कि रिसर्च स्टूडेंट या फिर किस तरह से, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। आप टू द पॉइंट सब्जेक्ट रखें अपनी ईमेल का और उस तरह से प्रोसीड करें। अच्छा, अब अप्लाई किस टाइम पर करना होता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सजेस्ट करती हैं, जो कि मतलब मैंने देखी है ओवरऑल, कि कभी भी वीकेंड्स पर अप्लाई ना करें। हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम वीकेंड पर फ्री होते हैं तो हम सुपरवाइजर्स को ईमेल करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ईमेल्स करते हैं। लेकिन वीकेंड्स पर जितने भी जिन भी लोगों को फॉरेन एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटीज का, तो वो बता सकेंगे कि वीकेंड्स पर सुपरवाइजर बिल्कुल ईमेल या फिर इस तरह की चीज़ें नॉर्मली चेक नहीं कर रहे होते, अंटिल अनलेस कोई और एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन नॉर्मली वीकेंड पर ईमेल बहुत कम चेक कर रहे होते हैं। तो जब वो वीकेंड के बाद अगले दिन मंडे को आते हैं तो उनके पास हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स होती हैं, तो वो आपकी ईमेल मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर ही कर देंगे, आपकी ईमेल की तरफ जाएंगे ही, क्योंकि वो और इम्पोर्टेंट ईमेल्स को देखेंगे। तो वीकेंड पर कभी भी ईमेल ना करें, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन नॉर्मली कोशिश करें कि वीकेंड पर आप ईमेल ना करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप हमेशा वर्किंग आवर्स में ईमेल करें। वर्किंग आवर्स में मींस के वर्किंग आवर्स जो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करें उसके वर्किंग आवर्स, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में 5 घंटे का डिफरेंस है, लाइक अभी वहाँ पर पाकिस्तान में 7:30 के करीब हो रही है और यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं, मतलब रात के 12:30। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम, पाकिस्तान में सुबह के टाइम अप्लाई करें। बेस्ट टाइम यही है कि आप, हम दिन में लेट्स सपोज इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, फिर किसी भी तरह से, तो कोशिश करें कि आप सुबह फजर के बाद अप्लाई करें, ठीक है? वो एक बेस्ट टाइम है कि मतलब अगर आप सुबह 5 या 6 बजे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 सुबह के 10 या 11 बज रहे होंगे, तो वो एक आइडियल टाइम है अप्लाई करने का, अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया में और अपने सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करना है। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट लाइक आप कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव पीएचडी एप्लीकेंट, प्रोस्पेक्टिव मास्टर्स एप्लीकेंट, या फिर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर पीएचडी फंडिंग, या फिर इस तरह करके मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। एक ऐसी सब्जेक्ट लाइन नहीं होनी चाहिए जो कि बिल्कुल वेस्ट हो। इस तरह से कुछ एक और सब्जेक्ट लाइन में उसने देख रहा था कि पीएचडी एप्लीकेंट विद 5 पब्लिकेशन, या फिर मतलब ऐसी सब्जेक्ट लाइन जो कि एटलीस्ट अट्रैक्ट करे और अपना मीनिंग कन्वे करे कि इसमें ईमेल में है क्या। नॉर्मली पीएचडी स्टूडेंट करके कर रहे होते हैं या फिर मास्टर स्टूडेंट करके कर रहे होते हैं, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि यू आर नॉट अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। आप स्टूडेंट बनेंगे अभी, आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, मतलब मुमकिन है स्टूडेंट है, अभी आप स्टूडेंट है नहीं। तो थोड़ी मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन के साथ जो है ना, आप ईमेल करें। अच्छा, यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी कि हमने सुपरवाइजर को कब कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिसर्च के रिलेटेड,
कि रिसर्च जो है वो मैटर करती है स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस में, या फिर रिसर्च मैटर नहीं करती, किस तरह की रिसर्च होती है और किस तरह की रिसर्च यूज़फुल है या मीनिंगफुल है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिसर्च की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि हम नॉर्मली ख़ासतौर पे जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स आगे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता, या फिर वो अगर रिसर्च कर भी रहे होते हैं तो वो बिल्कुल एक लिमिटेड डोमेन में रिसर्च कर रहे होते हैं, और वो एक नॉर्मल जो कह लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें पब्लिश कर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि रिसर्च में रिसर्च की इनिशियल इनिशिएटिव आपने कैसे लेना है किसी भी रिसर्च के लिहाज से ना। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने कैटेगराइज करना है कि रिसर्च पब्लिश आप कहाँ कहाँ पर करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके रिसर्च जर्नल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए, तो उनमें उस पर्सन से सिर्फ ये पूछा गया कि आप अपनी फील्ड के, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के या फिर टेलीकॉम के, क्योंकि मेरी फील्ड ही है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता सकूँगा, कि कंप्यूटर साइंस के और टेलीकॉम के 5 टॉप रेटेड जर्नल्स का नाम बताएं। तो दैट पर्सन वॉज अप्लाइंग फॉर PhD और उसको अपनी फील्ड के टॉप 5 जर्नल्स के नाम तक ही नहीं पता थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड जो टॉप जर्नल्स हैं, टॉप कह लें कि साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो आपको उनका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और उसके अलावा जो रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे हैं आपकी फील्ड में, लाजमी नहीं कि लेट्स सपोज अगर आप टेलीकॉम में TCP के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको उसी चीज़ का आइडिया हो, आपको उसके अलावा एक ब्रॉडर डोमेन में भी एक डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो आपके रिसर्च में जो मैटर करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो रिसर्च जर्नल्स मैटर करते हैं। रिसर्च जर्नल्स अगर आपके पास एक जर्नल पब्लिकेशन है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास एक कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी किस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी एक अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन है तो मैटर करेगी। इसके बाद अगर आपके एक अच्छे मैगजीन आर्टिकल है, मैगजीन नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल के या फिर कम्युनिकेशन के या फिर कंप्यूटर साइंस के लोग हैं तो वो मैगजीन आर्टिकल्स की तरफ भी फोकस करते हैं, लेकिन वो मैगजीन्स जो कि अच्छे रैंक हैं, मैं इनकी रैंकिंग की तरफ आगे आऊँगा इंशाल्लाह कि इनको रैंक किस तरह से करते हैं। उसके बाद थर्ड पे अगर आप कहें तो कॉन्फ्रेंस मैटर करेगी, इस तरह से IEEE के डिफरेंट टेक्निकल लेटर्स होते हैं वो मैटर करते हैं। फिर उसके बाद बुक चैप्टर, और बुक चैप्टर्स के बाद आपके पेटेंट्स या टेक्निकल रिपोर्ट, पेटेंट्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स में एंड पे इसलिए सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूँ क्योंकि उसकी तरफ ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में नॉर्मली इसका ना। तो जो आपकी रिसर्च जर्नल्स हैं तो आपने जर्नल जो भी चूज़ करना है या फिर जिस तरह से भी लेके चलना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो SGR या साइंस मेजर इंडेक्स्ड है या नहीं है, ठीक है। और अगर इंडेक्स्ड है तो उसकी रैंकिंग क्या है, क्यू रैंकिंग कह लें, Q1 Q2 Q3, Q1 बीइंग द हाईएस्ट, और इसके साथ साथ आपके जो रिसर्च जर्नल है जिस जर्नल में आपने पब्लिकेशन की है उसका इम्पेक्ट फैक्टर क्या है। क्योंकि आप एक जर्नल पब्लिकेशन मल्टीपल कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कि अगर आपका एक जर्नल पेपर है और आपके, मैं कहूँ इसके ऑपोजिट, अगर 4 से 5 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस भी हैं तो वी वुड प्रेफर द पर्सन विद द जर्नल पेपर इंस्टेड ऑफ अ पर्सन विद अ कॉन्फ्रेंस पेपर। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जर्नल पब्लिकेशंस की तरफ जाएँ। अच्छा, जर्नल्स को चेक किया जाता है उनके इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे और उनकी क्यू रैंकिंग के बेसिस पे। सेम गोज विद मैगजीन्स, मैगजीन्स भी वही पब्लिशर्स होते हैं। हाँ, पब्लिशर बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हर फील्ड के पब्लिशर डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री के रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री या फिर मेटलर्जी में ये आते हैं, या फिर ASC या एल्सवेयर, वो उनमें टॉप टॉप पब्लिशर्स काउंट होते हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल की तरफ आऊँ या कंप्यूटर साइंस की तरफ आऊँ तो उसमें जो टॉप पब्लिशर्स काउंट होते हैं वो IEEE सबसे फर्स्ट पे आता है, उसके बाद एल्सवेयर, स्प्रिंगर, वाइले, ये सब रैंकिंग वाइज क्लासिफाई हो रहे होते हैं। तो जर्नल्स को अगर हमने क्लासिफाई करना तो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड में, कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड हर फील्ड में वेरी करता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसकी SGR रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
सेम गोज विद मैगजीन्स, मैगजीन्स में भी उनका इम्पैक्ट फैक्टर और उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स में, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स रैंक्ड होते हैं साइंस मेजर के साथ, लेकिन हर फील्ड की एक डिफरेंट रैंकिंग होती है कॉन्फ्रेंस में। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में उसकी जो रैंकिंग है वो मैटर करेगी कि कोर रैंकिंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कोर रैंकिंग इस कहेंगे core.edu.au, ये मैं लिंक इंशाल्लाह एंड पे शेयर कर दूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कौन से रैंक की कॉन्फ्रेंस है। अब हमारे वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि अच्छा किसी भी लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशन कर ली और उसको फिर जब अपनी CV में एडअप करते हैं तो वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती। लाइक यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिजेक्ट होती हैं कि इसने ऐसी कॉन्फ्रेंस पब्लिश की है कि जिसकी कोई वर्थ नहीं है। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप उस पेपर को एक अच्छी टेक्निकल कह लें कि एक अच्छी कंट्रीब्यूशन करो और उसको एक अच्छे जर्नल पब्लिश करो, इंस्टेड ऑफ पब्लिशिंग इन सम लोकल कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी एप्लीकेशन को प्लस पॉइंट देने के बजाय नेगेटिव पॉइंट दे जाती है। अच्छा, उसके बाद बुक चैप्टर्स हैं, बुक चैप्टर्स जो टेक्निकल लेटर्स हैं, टेक्निकल लेटर्स भी जर्नल्स की तरह उनके इम्पैक्ट फैक्टर्स की बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन लेटर्स हैं या फिर और इस तरह के सिमिलर लेटर्स हैं, वो भी इस तरह से क्लासिफाई होंगे। नेक्स्ट बुक चैप्टर्स हैं, बुक चैप्टर्स क्लासिफाई होते हैं कि उनके पब्लिशर कौन है, लाइक स्प्रिंगर है, CRC प्रेस है, IGI ग्लोबल है, वाइले है, तो बुक चैप्टर्स इस तरह से क्लासिफाई होते हैं। और लास्ट जो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स क्लासिफाई होंगे कि उन पेटेंट्स का असाइनी कौन है, कि कौन सी कंपनी या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन पेटेंट्स को असाइन कर रही है। वैसे तो US पेटेंट्स होते हैं नॉर्मली जो टॉप पे होते हैं, लेकिन उनको भी कौन असाइनी है वो मैटर करता है। ये थोड़ी सी डिस्कशन थी कि कौन कौन से वेन्यूज हैं जिनके ऊपर पब्लिश करना चाहिए और उनकी रैंकिंग क्या है। अब मैटर करता है कि आप नॉर्मली जब बैचलर स्टूडेंट हैं या फिर मास्टर स्टूडेंट हैं तो आपको किन पब्लिकेशंस की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो जिस तरफ आपको प्रोसीड करना चाहिए वो ये कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एनी कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन, वन शुड गो फॉर अ जनरल पब्लिकेशन। लाइक जो बैचलर्स में ट्रेंड चल रहा होता है या मास्टर्स में, तो वो एक कोई भी नॉर्मल सी माइनर सी कंट्रीब्यूशन की और उसको एक लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर दिया। क्योंकि रिसेंटली कुछ पेपर्स यहाँ पे हमने CVs इवेलुएट की हैं जिसमें ऐसे पेपर्स अभी रिसेंट पाकिस्तान की एक दो कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुए हुए थे जो कि शायद अगर आप 2012 में भी किसी जर्नल में भेजते तो वो पब्लिश ना होते। उसकी रीज़न ये है कि वो काम हुए हुए ही 5-7 साल हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक वो कॉन्फ्रेंसेस पब्लिश कर रही हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं उन कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी और उन उस पर्सन की कह लें कि एकेडमिक एक्सीलेंसी के ऊपर भी कि ये पर्सन 2019 में वो काम कर रहा है जो 2012 में हो चुका है। तो इसलिए बेहतर ही होता है कि हमेशा एक अच्छे रैंक के जर्नल की तरफ पब्लिकेशन की जाए इंस्टेड ऑफ के आप एक लोकल कॉन्फ्रेंस की तरफ पब्लिश करें। हाँ, कॉन्फ्रेंस में अगर आप पब्लिश करना है आपने तो बेहतर ये है कि आप उस कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग चेक करें और एक अच्छी रैंक की कॉन्फ्रेंस पब्लिश करें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस पब्लिश कर रहे हैं कि जिसका कोई फायदा नहीं है और वो नेगेटिव इम्पेक्ट डालेगी। हाँ, जर्नल्स में भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जर्नल्स ओपन एक्सेस कुछ जर्नल्स हैं जो कि चल रही हैं डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट पब्लिशर्स के, तो जो कि पैसे लेकर भी पब्लिश कर देते हैं, तो कभी भी उन जर्नल्स की तरफ ना जाएं। खास तौर पे आजकल इंडियन जर्नल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इंडियन जर्नल्स और कुछ और रैंडम पब्लिशर्स हैं, तो जिनको सिर्फ ये कंसर्न होता है कि उनके जर्नल पे पब्लिकेशन हो जाए और आप 28,000 या $280 या $300 या जितने भी दे डिमांड, तो उस तरह की पब्लिकेशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। वो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू आर सच पब्लिकेशन वो आपकी प्रोफाइल को स्पॉइल कर देगी। मतलब ये कि वो आपकी प्रोफाइल जो है वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी कि कोई भी आपको अपना स्टूडेंट लेने के लिए तैयार नहीं होगा किस बंदे ने किसी टाइम पे उस जर्नल में पब्लिकेशन की है। तो कभी भी इस तरह के ओपन एक्सेस की तरफ ना जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा उनके प्रीवियस पेपर्स देखकर, उनके कह लें कि उन कुछ जर्नल्स ने क्लेम किया होता है उनका इतना इम्पैक्ट फैक्टर, इतना इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर की लिस्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी, गालिबन स्कॉलरशिप नेटवर्क में भी पड़ी होगी जो इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट है, तो उसमें से लाजमी कंफर्म कर लें जर्नल्स को।
कभी भी ऐसे ओपन एक्सेस पब्लिशर्स के पास ना जाएं जो कि आपकी रिसर्च को एक तो पर्सनल यूज़ करें, उसको डिग्रेड कर दें, और उसको आप ये कह लें कि आपकी रिसर्च से आपको फ़ायदा ना हो, क्योंकि वो कुछ जो जर्नल्स हैं, इंडियन जर्नल्स हैं, वो आपके रिसर्च पेपर लेते हैं, आपसे सबमिट कर लेते हैं और उसको आगे सेल आउट कर देते हैं, और आपसे भी एक किस्म का सिर्फ ऑनलाइन रखने के आपसे चार्जेस ले लेते हैं। तो उस तरह की पब्लिकेशंस की तरफ ना जाएं। और अगर आपकी वैसी कोई पब्लिकेशन है तो नेक्स्ट वैसी किसी भी तरह की पब्लिकेशन से अवॉइड करें कि आप, और उस तरह की उस पब्लिकेशन को अपनी CV में भी इंक्लूड ना करें, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ गुड इम्पैक्ट, वो आपके प्रोफाइल में एक नेगेटिव इम्पैक्ट एडअप करेगी। ऐसे अक्सर चले होते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च साइंसेज और इस तरह करके बहुत से टाइटल्स हैं, आपको बहुत से टाइटल्स मिल जाएंगे, तो उन पब्लिकेशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ये ओपन एक्सेस पब्लिकेशन, ओपन एक्सेस जो कह लें कि ऑथेंटिक है, जैसे IEEE एक्सेस है, तो उस तरह की पब्लिकेशंस की तरफ आप चल जा सकते हैं, उनमें पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे ओपन एक्सेस जर्नल्स जो कि रैंक्ड ही नहीं है, तो उनकी तरफ उनमें पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम गोज विद कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस जो कि अच्छे रैंक कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो उनमें तो पब्लिश करना बहुत अच्छी बात है। इवन कंप्यूटर साइंस में या फिर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अगर आप देखें, तो कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि जर्नल से भी ज़्यादा मैटर करती हैं, या फिर सिपकॉम है कम्युनिकेशन में, IEEE सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, तो ये कॉन्फ्रेंसेज, इनमें पब्लिकेशन इवन आपके ट्रांजेक्शन आर्टिकल से भी ज़्यादा या फिर जर्नल से भी ज़्यादा मैटर करती है। तो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज में पब्लिश करें, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी लोकल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करें और आपकी एप्लीकेशन को एक नेगेटिव इम्पेक्ट मिले। अच्छा, ये थोड़ी बहुत डिस्कशन थी पब्लिकेशन की तरफ। इसके अलावा अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं भी है, तो इट डज नॉट मैटर कि आपको मतलब कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यू विल गेट द स्कॉलरशिप, लेकिन आपको उतनी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। मैं अगर हम जैसे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे होते हैं, तो अ पर्सन जिसके पास एक अच्छी बैकग्राउंड है अपनी फील्ड के रिलेटेड, और एक कह लें कि एक अच्छा उसको इन डेप्थ नॉलेज है जो भी रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं, या फिर उस सुपरवाइजर के जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं उनके रिलेटेड, तो उसको हमेशा इंटरव्यू में प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द पर्सन के जिसकी एक या दो पब्लिकेशन है और उसको उन पब्लिकेशंस का नहीं पता। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ रिसर्च ग्रुप्स ऐसे हैं, मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड बात कर सकूंगा, कि जो कि एक बंदा पेपर लिखता है और अगले 4-5 लोगों का जो है वो नाम उसमें एडअप किया जा रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप इस तरह के काम करें कि आप सिर्फ पब्लिकेशन में नाम ऐड करवाने के लिए, या फिर एक नंबर गेम जो पब्लिकेशंस के लिए चल रही है, पेपर्स के लिए चल रही है, कि मेरे इतने पेपर्स हैं, मेरे इतने पेपर्स हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है एट द एंड, अगर अपन उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, अगर अपन को कहें कि अगर आपने उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की, क्योंकि जो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे होते हैं दे नो, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस की बेसिस पर ही आपको उनको पता चल जाएगा कि आपके आपने जो पब्लिकेशन की है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन है भी या नहीं है। तो ऐसी पब्लिकेशंस में अपना नाम ऐड अप करवाने के बजाय आप वो रिसर्च स्किल्स लें जिनके बेसिस पे आप पब्लिश कर सकें। तो आई नेवर रिकमेंड कि आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज़्यादा हों, हमेशा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको उस फील्ड के रिलेटेड जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में टेक्निकल इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉर्मली आपको इन डेप्थ नॉलेज उसी फील्ड के रिसर्च पेपर्स स्टडी करने के बाद मिलेगा, इंस्टेड ऑफ क्या आप रैंडम कुछ भी और कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है कि कभी भी अपनी पब्लिकेशन गेम की तरफ या पब्लिकेशन नंबर्स की तरफ ना जाएं, नॉलेज को इन्हांस करें जो कि मैटर करेगी। पब्लिकेशन डेफिनेटली मैटर करती हैं, लेकिन खास तौर पे अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको सुपरवाइजर का अप्रूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपरवाइजर अप्रूव आपको तब करेगा जब वो आपके अंदर पोटेंशियल देखेगा। तो पब्लिकेशन तो आगे एडमिशन एप्लीकेशन में मैटर करेगी ना, कि आप, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, उनको नहीं पता कि आपकी ये पब्लिकेशन कह लें कि किस वर्थ की है, फिर किस तरह से है। लेकिन उससे पहले आपको एक चांस लेना है, मतलब ये कि आपको सुपरवाइजर से अप्रूवल लेना है ना। सुपरवाइजर से अप्रूवल आपको तब मिलेगा जब आपकी एक अच्छी रिसर्च प्रोफाइल होगी और आपको उसका नॉलेज भी होगा। बजाय इसके कि आपके पास कुछ पब्लिकेशंस हैं और आपको उनका नॉलेज नहीं है, तो सुपरवाइजर आपको कभी भी अप्रूव नहीं करेगा आफ्टर इंटरव्यू। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
इवन अगर आपका कोई अच्छे जर्नल में पेपर सबमिटेड है, वो ओवररूल करेगा उन पेपर्स को जो कि दो तीन कॉन्फ्रेंसेस में है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि अच्छे जर्नल्स में आप सबमिट करें, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस को टारगेट करें, और अगर किसी भी पेपर में आप अगर आपने कंट्रीब्यूशन नहीं की तो उसमें नाम ऐड अप ना करवाएं, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा होता है पाकिस्तान में, मैं उस परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और कोशिश ये करें कि आप काम खुद करें और उसमें एज अ फर्स्ट फर्स्ट ऑथर एक्ट करें। मतलब कुछ सुपरवाइजर्स और कुछ रिसर्चर्स हैं पाकिस्तान में जो आपके अपने स्टूडेंट से काम करवाते हैं और खुद एज अ फर्स्ट ऑथर ज्वाइन कर लेते हैं उसमें, तो एथिकली ठीक नहीं है मतलब। लेकिन वो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस पर्सन ने काम किया होता है ही शुड बी द फर्स्ट ऑथर। तो ये ट्रेंड जो है ना, कोशिश ये करें कि आप एज अ फर्स्ट ऑथर रहो, क्योंकि अगर आपने टेक्निकल कंट्रीब्यूशन किया, आपने एक अच्छा सर्वे कैरी आउट किया है, तो आपको फर्स्ट ऑथर होना चाहिए। एक और चीज़ जो नॉर्मली पाकिस्तान में आजकल चल रही है, क्योंकि मैं कुछ कॉन्फ्रेंसिस के पेपर रिव्यू कर रहा होता हूँ, तो ये होता है कि जो सर्वे आर्टिकल्स हैं वो कॉन्फ्रेंसिस में सबमिट कर रहे होते हैं, जबकि सर्वे आर्टिकल्स के कॉन्फ्रेंसिस में कोई लॉजिकल वो इंटरप्रेशन नहीं बनती कि आप 6 पेजेस में एक अच्छा सर्वे कैसे कंडक्ट कर सकते हो। अनटिल और अनलेस कि वो एक बिल्कुल एक नई फील्ड है जिसके ऊपर काम ही नहीं हुआ हुआ, तो एक डिफरेंट केस है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपने सर्वे एक लिखना भी है तो उसके लिए एक अच्छा वेन्यू ढूंढें और उसमें सबमिट करें। अच्छा, ये सारी डिस्कशन थी कि आपको किस किस तरह से कि रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है, कि किस बेसिस पे आपको जो है ना वो रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। एक लास्ट जो हमारी डिस्कशन है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया ऑफर करती है डायरेक्ट पीएचडी स्कॉलरशिप्स भी, कि आप बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप ज्वाइन इन करें। आप मास्टर्स को बीच में स्किप कर देते हैं और इससे आपकी पीएचडी की ड्यूरेशन इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली ये कंसिडर कर रहा होता किया जा रहा होता है कि अगर वो डायरेक्ट पीएचडी स्कॉलरशिप है तो वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी होगी। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको राइट आफ्टर योर बैचलर्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कम्पिटिटिव, काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, आपका जीपीए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि मैं अगर आप फ्रॉम बैचलर्स टू मास्टर्स अप्लाई कर रहे हो पीएचडी में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका जीपीए 3.75 या 3.8+ होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट उसमें स्टैंड इन कर सको, नहीं तो सुपरवाइजर्स ही आपको प्रूफ नहीं करेंगे। डायरेक्ट पीएचडी की बात कर रहा हूँ मैं, मास्टर्स करने के बाद पीएचडी की बात नहीं कर रहा, मैं बैचलर्स के बाद पीएचडी की बात कर रहा हूँ। और अगर इतने जीपीए के साथ आपका कुछ रिसर्च वर्क भी है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर रिसर्च वर्क नहीं है, आपने एक अच्छा रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट किया है अपनी फील्ड में, तो वो सुपरवाइजर आपको अप्रूव कर सकते हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि बैचलर्स वाले लोग जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके जो थीसिस वर्क है या फिर एफआईपी का काम है, तो बेसिकली आप वो सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आप उसके लिए एफआईपी की रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हो, आप रिपोर्ट लिखते हो, तो अगर आप उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च कंपोनेंट ऐड करो, या फिर अगर अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप प्योरली रिसर्च ओरिएंटेड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिसर्च कंपोनेंट ऐड अप कर सकते हो, और उसको फिर आप जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप एज अ रिसर्च कंपोनेंट अपनी डिग्री में ऐड अप कर सकते हो कि ये 5 और 6 क्रेडिट आवर्स मैंने एज ए रिसर्च पढ़े हैं, मतलब, और इसके लिए मैंने एक थीसिस भी प्रिपेयर किया था, जो कि फाइनल ईयर रिपोर्ट जो होती है वो आप एज अ थीस प्रूफ सबमिट कर सकते हो, क्योंकि हम उसमें नॉर्मली मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं और आप एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, जो कि नॉर्मली थीसिस रिपोर्ट्स मास्टर्स वाले प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आप उसको भी एज ए रिसर्च कंपोनेंट काउंट करवा सकते हो, लेकिन इस बेसिस पे कि अगर आपने उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च कैरी आउट की हुई है। अगर आपने बिल्कुल एक कह लें कि हार्डवेयर ओरिएंटेड, मैं अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट मैकेनिकल या फिर अदर फील्ड, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करो या कंप्यूटर साइंस की बात करो, तो अगर आपने प्योरली एक हार्डवेयर ओरिएंटेड काम किया है, इसमें आपने कुछ भी रिसर्च नहीं की, तो वो फिर उसको आप रिसर्च कंपोनेंट आपको काउंट करवाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैसे कहें कि सिमुलेशन बेस्ड वर्क है आपका, डिफरेंट और वर्क है, तो उसमें आप अगर कुछ नॉवेल्टी कर रहे हैं तो आप उसका एज अ रिसर्च कंपोनेंट काउंट करवा सकते हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट और स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा,
जैसे आजकल रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की भी स्कॉलरशिप चल रही है, और इस तरह से और डिफरेंट और कंट्रीज की स्कॉलरशिप चल रही है। मैं इंशाल्लाह सेशन के एंड पे लिंक शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा जो भी हमारी डिस्कशन हुई है इसके रिलेटेड कुछ PDFs हैं कि रिसर्च इंटीग्रिटी और रिसर्च एथिक्स के रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह वो भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड के अभी जितना मुझे डिस्कस करना था इन चीज़ों के ऊपर। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप काइंडली वो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके बाद हम ये सेशन एंड कर देंगे इंशाल्लाह। मैं प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेता हूँ अगर किसी ने कुछ पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन यू स्कॉलरशिप फॉर PhD इन कंप्यूटर साइंस। तो उसमें आपने किसी भी फील्ड की स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको सबसे पहले तो अपने सुपरवाइजर रिस्पेक्टिव फील्ड के सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करना होगा, या फिर जो मैंने प्रीवियस कुछ स्कॉलरशिप के कह लें के वेन्यूज दिए हैं तो उसमें से देखना होगा कि वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, तो उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर्स को, तो यू विल गेट द स्कॉलरशिप इन दैट फील्ड। शुड बी द मास्टर CGPA इफ यू वांट टू, व्हाट शुड बी द मास्टर CGPA? मास्टर CGPA इट डज नॉट मैटर मच, मतलब ये कि इट इज़ गुड टू हैव अ GPA अराउंड 3.3 और मोर, लेकिन अगर आपका 3 से ऊपर GPA है तो आपको इतनी ज़्यादा कह लें कि ट्रबल नहीं होगी स्कॉलरशिप अचीव करने में, अगर आपको सुपरवाइजर का अप्रूवल मिल जाता है। और आपको सुपरवाइजर का अप्रूवल तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे रिसर्च स्टूडेंट की तरह उसको प्रेजेंट करोगे कि मुझे ये काम आता है। वट अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंडेवर स्कॉलरशिप? बिल्कुल ऐसे ही है ये, जितनी भी ऑस्ट्रेलिया एंडेवर्स एक्चुअली डिफर करती है इसे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप प्योरली डिस्कस कर रहे हैं। एंडेवर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो अभी जो सेशन है वो प्योरली रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए है, जिसमें जो मेजर स्कॉलरशिप है वो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई हैव कॉन्टेक्ट फॉर सुपरवाइजर फॉर मेलबर्न यूनी बट नन ऑफ देम रिप्लाई। आपको रिप्लाई इस वजह से नहीं आ रहे होंगे क्योंकि एक तो या तो आपकी जो ईमेल है और CV है वो उस तरह से इंक्लाइंड नहीं होगी जो कि सुपरवाइजर्स को नीडेड होगी, या फिर आप गलत टाइम पर कांटेक्ट कर रही होंगी, और या फिर आपकी एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी। तो ट्राई टू रिवाइज योर CV एंड योर ईमेल, उसके बाद इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आ जाएंगे। इज देर एनी कट ऑफ CGPA फॉर मास्टर स्कॉलरशिप? मुझे नहीं अंदाजा कि कोई भी ऐसा कट ऑफ GPA मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन मैंने 3.1, 3 GPA, इवन 2.9 वालों को भी मास्टर्स के बाद PhD के लिए स्कॉलरशिप लेते हुए देखा है। और जो मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर्स की स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम्पिटिटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए प्योरली, तो कट ऑफ GPA नहीं है, आप अप्लाई करें, डिपेंड करता है। जिनका GPA 2.5 से कम है उनको स्कॉलरशिप एक्सेप्ट होती है क्या, या फिर अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री सही है? 2.5 GPA वाले डिपेंड करता है कि अब ये 2.5 GPA अगर आपका मास्टर्स में और आपके पास अच्छी रिसर्च पब्लिकेशन है तो पॉसिबल है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन अगर आप 2.5 में बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए दूसरी स्कॉलरशिप जैसे ऊपर और एंडेवर और दूसरी डिस्कस हुई है तो वो डिफर करती हैं, लेकिन रिसर्च के लिए 2.5 कम GPA कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। सर हाउ मेनी पब्लिकेशन शुड बी अप्लाई? पब्लिकेशंस कंपलसरी नहीं है, एक प्लस पॉइंट होती है आपके प्रोफाइल में, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। अगर आपको रिसर्च नॉलेज है तो पब्लिकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाउ टू गेट अ पोस्ट डॉक पोजिशन? पोस्ट डॉक पोजिशन भी बहुत ज़्यादा कह लें कि सिमिलर वे ही है, लेकिन पोस्ट डॉक पोजिशन के लिए नॉर्मली मेलिंग लिस्ट हैं। जैसे अब मैं कम्युनिकेशन सोसाइटी की बात करूँ तो TCCN, TCC अनाउंस और डिफरेंट मेलिंग लिस्ट हैं जहाँ पोस्ट डॉक पोजिशन अनाउंस हो रही होती हैं, तो अपन में से देख सकते हैं। और कुछ सुपरवाइजर्स ने अपनी वेबसाइट पर भी नोटिफाई किया होता है, हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी सुपरवाइजर्स ने नोटिफाई किया कि मुझे पोस्ट डॉक की और RAs की ज़रूरत है, तो वो आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव डन 2 years BA देन 3 years MBA 3.7। फोजिया अक्रम ने कहा है कि आई हैव डन 2 years BA, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप अप्लाई करें इंशाल्लाह यू विल गेट द स्कॉलरशिप। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिसर्च प्रपोजल? नॉर्मली जो रिसर्च प्रपोजल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल में चल रहे होते हैं वो 2 to 3 pages चल रहे होते हैं, और दैट वुड बी इनफ। और रिसर्च प्रपोजल अपने इनिशियल जो प्रिपेयर करना है ना वो आप 2-3 pages का या मैक्सिमम 4 pages का प्रिपेयर करें, और बाद में आपको सुपरवाइजर आपको नॉर्मली ये कहेंगे कि आप इस फील्ड के लिए रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करें,
या फिर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर करें, तो फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हो फर्दर के किस तरह का होना चाहिए। आई हैव अपलोडेड व्हाट इज राइट टाइम टू अप्लाई फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप इन थर्ड सेमेस्टर ऑफ माय मास्टर्स। व्हेन यू विल बी इन योर फोर्थ सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स मसद इकबाल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। मतलब आप आखिरी सेमेस्टर में आइल्स करें, बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, अपनी डिग्रीज वेरीफाई करें और उस टाइम पे अप्लाई करें। और ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स की पीएचडी के लिए अप्लाई करने की कोई डेडलाइन नहीं है, मतलब कि इस टाइम पे या इस सीजन में अप्लाई कर रहे होते हैं, नॉर्मली पूरा टाइम जो है ना वो अप्लाई हो रहा होता है। क्या नहीं, व्हाट व्हाट फॉरेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप, नहीं मुझे फॉरेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप का अंदाजा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एनी इश्यू इन गेटिंग एडमिशन मास्टर व्हेन यू आर 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद 102 पे डेटा, 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 3 ईयर्स बैचलर्स अगर आपका है तो आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है, बट डिपेंड्स कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करना है बैचलर्स के बाद, तो आपके लिए 4 ईयर्स एजुकेशन कंपल्सरी है। हाउ मेनी चांस ऑफ स्कोरिंग फंडिंग इफ आई लेट प्रोफेसर अप्रूवल पूछा है कि हाउ मेनी चांसेस ऑफ स्कोरिंग फंडिंग इफ आई ऑलरेडी हैव प्रोफेसर अप्रूवल, तो डिपेंड करता है कि किस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया। अगर आपने रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम या आरटीपी या आईपीआरएस के आगे फर्दर डेरिवेटिव्स में अप्लाई किया है, तो आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बाकी सब कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर होगी। लेकिन अगर आपने ऐसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है जो कि जिसकी फंडिंग सुपरवाइजर के पास थी, तो आपके 95 या 100% चांसेस हैं अंटिल ऑनलाइन कि आपकी प्रोफाइल में कोई ऐसा बग निकला है जिसकी बेसिस पे आपको रिजेक्ट करें। आई विल कंप्लीट माय बैचलर नेक्स्ट ईयर, कैन अप्लाई नाउ बिफोर, नहीं अगर आप बैचलर्स में हैं तो आप आखिरी सेमेस्टर तक वेट करें और आखिरी सेमेस्टर में ही अप्लाई करें, और इवन आखिरी सेमेस्टर के भी एंड पे मैं कहता हूँ जब आपका फाइनल हो जाए कि आपका इतना जीपी है। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सुपरवाइजर ये कहेंगे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, तो उस टाइम तक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई होती, आपके पास कह लें कि जो रिजल्ट कार्ड है वो नहीं आया होता, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है खासतौर पर बैचलर्स वालों के लिए। मास्टर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है लेकिन बैचलर्स वालों के लिए होता है। तो आप आखिरी सेमेस्टर तक वेट करें, कोशिश करें कि आप उससे पहले आइल्स और बाकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लें। रजा मेहदी ने कहा है कि मैं साउथ कोरिया में हूँ, पर आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, अगर आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो। आई हैव 3.0 शाहिद बशीर, आई हैव 3.25 जीपीए एंड 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट एंड। डेफिनेटली अगर आपका 3.25 जीपीए और इतना एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उन प्रोफेसर के पास कौन सी स्कॉलरशिप है। एमएस की स्कॉलरशिप्स थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव होती हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कम होती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव चांसेस। कैन यू प्लीज फॉर्म अबाउट डेडलाइन, डेडलाइंस नहीं है। अहमद फराज ने पूछा है कि डेडलाइंस क्या है पीएचडी एप्लीकेशंस के लिए, तो डेडलाइंस नहीं होती, आप ऑल ओवर द ईयर अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में होता यह है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो उसी टाइम पे आपकी एप्लीकेशन कंसीडर कर लेते हैं। कुछ में क्या करते हैं कि उन्होंने एक डेडलाइन रखी होती है कि इस टाइम तक जितनी एप्लीकेशन आएंगी हम उनको इस राउंड में मीटअप करेंगे, उसके बाद जो एप्लीकेशन आएंगे वो नेक्स्ट राउंड में होती हैं। तो कोई पीएचडी के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन नहीं है कि आप इस टाइम पे अप्लाई करेंगे। आई एम फिल इन मैनेजमेंट वर्क एक्सपीरियंस फॉर ईयर, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई हारून शेख। एमएससीएस में मिनिमम कितनी सी जीपी होनी चाहिए इसको, एमएस कंप्यूटर साइंस में कितनी जीपी होनी चाहिए, जीपीए में जो है ना वो मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन 3+ हो, 3.3+ हो या इससे अबव हो तो एक प्लस पॉइंट होता है, और अगर इसके साथ साथ अगर आपका कुछ रिसर्च वर्क है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इस दिन स्प्रिंग इनटेक मास्टर्स में डिफर करती है, अभी अगर आप पीएचडी के लिए करें तो ऑल ओवर द ईयर जो है ना वो एप्लीकेशन ले रही होती है, लेकिन मास्टर्स में डेफिनेटली उन्हें सेमेस्टर वाइज चलना होता है, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप की डेडलाइन एंड रिक्वायरमेंट बता दें फॉर पीएचडी। अब्दुल सत्तार भाई, मैंने डिटेल्ड प्रीवियस जो पूरा सेशन है वो इसी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर डेडलाइंस के ऊपर है, आप कहीं उसको दोबारा देख लीजिएगा। इस दिन स्प्रिंग इनटेक आई हैव मिस्ड डिस्कशन अबाउट आरटीपी काइंडली सनाउला, जो आरटीपी के ऊपर डिस्कशन है वो सेशन के स्टार्ट में है, तो इस एंड पे वीडियो शेयर हो जाएगी तो आप इंशाल्लाह उसको देख लीजिएगा। नॉर्मली इन हाउ मच टाइम डज द सुपरवाइजर रिप्लाई, मोहम्मद अली ने पूछा है, तो सुपरवाइजर्स आपको अगले दिन भी रिप्लाई कर सकते हैं और एक एक माह बाद भी रिप्लाई कर सकते हैं।
इट डिपेंड्स कि वो अवेलेबल कब है और कब ईमेल्स देख रहे हैं। नॉर्मली वो ईमेल्स को स्क्रूटनी भी कर लेते हैं कि ये एडमिशंस के लिए ईमेल्स हैं, और जब फ्री होते हैं तो उस टाइम पे देखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो सुपरवाइजर की नेचर क्या है। ऑस्ट्रेलिया में कोर्स वर्क होता है क्या? इट डिपेंड्स कि आप किस स्कॉलरशिप पे आ रहे हो। पीएचडी में कोई कोर्स वर्क नहीं होता, पीएचडी में ऑस्ट्रेलिया में कोई कोर्स वर्क नहीं होता। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स टॉट कोर्सेज रिसर्च प्रोग्रामिंग टॉट कोर्सेज रिसर्च। मास्टर्स टॉट कोर्सेज जो होते हैं उसमें प्योरली आप सिर्फ कोर्स वर्क करते हो, जो कि नॉर्मली आप फी पे कर कर रहे होते हैं। लेकिन जो मास्टर्स बाय रिसर्च है उसमें आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, उसके साथ साथ आप कुछ कोर्सेज पढ़ोगे। और सजेस्ट एनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर्स। आप क्यूएस रैंकिंग देखें, आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। मोहम्मद हारून शेख, आपकी जो प्रोफाइल है उसकी बेसिस पे आप डेफिनेटली अप्लाई करें, यू विल गेट द स्कॉलरशिप इंशाल्लाह। एक्सचेंज डिग्री बैचलर्स, एक्सचेंज डिग्री के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन अब ये दोनों यूनिवर्सिटीज के दरमियान जो है ना कोलेबोरेशन के ऊपर होता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी एक्सचेंज स्टूडेंट्स बुला रही है और आपकी यूनिवर्सिटी उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो उस बेसिस पे होता है। मैं स्कॉलरशिप प्लीज फसीहा मुशाहदी ने पूछा है कि व्हेन शुड आई अप्लाई, आई मीन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ एम फिल। अब थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप इस सेमेस्टर के एंड से ऑनवर्ड जब आपका थोड़ा जीपीए क्लियर हो जाए तो उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आप आइल्स की प्रिपरेशन करें और आइल्स में जो है वो अच्छे स्कोर लें, क्योंकि 6.5 नो लेस देन 6 नॉर्मली एक प्लस पॉइंट होता है। नहीं, रजा मेदी कहना चाह रहे हैं कि साउथ कोरिया में आप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और आपको जो स्कॉलरशिप है वो सुपरवाइजर्स खुद दे देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा होता, आपको यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई करके फंडिंग लेनी होती है। तो आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन जो है ना एवेल्युएट होती है स्कॉलरशिप के परस्पेक्टिव से। साउथ कोरिया से ये चीज़ काफ़ी डिफर करती है। स्टूडेंट ऑफ मास्टर स्टडी कैन अफोर्ड इज लिविंग कॉस्ट एंड फी थ्रू पार्ट टाइम। अच्छा, एक फी का परस्पेक्टिव मैंने मिस कर दिया कि जो मास्टर्स बाय रिसर्च या फिर पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो इनका जो मिनिमम इसको इनको स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो यूनिवर्सिटी कवर करती है, जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है कि आप पे मिनिमम 20,300 डॉलर्स पर ईयर आप इनको दोगे। तो जो कि नॉर्मली से ज़्यादा ही होता है कि नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही होती हैं 25 to 30,000 डॉलर्स पर ईयर दे रही होती हैं, जो कि मंथली 2,000 to 2,200 डॉलर्स पर मंथ बनता है जो स्टाइपेंड मिल रहा होता है मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के लिए आते हो तो वो एक डिफरेंट है, उसमें एक डिफरेंट परस्पेक्टिव आता है। एमएस के लिए हर के लिए जीपीए डिफर करता है। लाइक कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एमएस के लिए कितना जीपीए होना चाहिए, इसके लिए कितना जीपीए होना चाहिए, और अगर मेरा इतना जीपीए तो मैं अप्लाई करूँ। तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें, कोशिश करें, लेकिन जीपीए हर यूनिवर्सिटी में मैटर वेरी करेगा और जीपीए हर कह लें कि हर स्कॉलरशिप के लिए भी वेरी करेगा। अब्दुल सत्तार ने पूछा है कि आपको सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस की 100% ज़रूरत है अगर आपको कोई भी रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप लेनी है। अगर आप सुपरवाइजर के अप्रूवल के बगैर रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर भी देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सुपरवाइजर के पास आएगी और सुपरवाइजर कहेंगे, सुपरवाइजर्स ने पहले से ही कुछ लोग फाइनलाइज किए होते हैं कि हमने इन स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करना है। तो अगर आप सुपरवाइजर्स की अप्रूवल के बगैर अप्लाई कर देंगे तो आपकी उस एप्लीकेशन का नॉर्मली कोई फायदा नहीं होगा, अनटिल और अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो। एहतिशाम कह रहे हैं, स्प्रिंग इनटेक डज एग्जिस्ट फॉर पीएचडी और नॉट। एहतिशाम, पीएचडी के लिए कोई इनटेक्स नहीं है, आप थ्रू आउट द ईयर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आइल्स स्कोर, मिनिमम आइल्स स्कोर 6.5 और कुछ कंडीशंस में 6.5 नो लेस देन 6, और कुछ एक्सेप्शनल स्कॉलरशिप्स हैं जो कि विदाउट आइल्स भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन वो हाईली कम्पिटिटिव है। एंड हाउ टू कवर इफ आई हैव नो पब्लिकेशन। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आपको इतनी डिटेल्ड अपनी रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें अगर आपको सुपरवाइजर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट एक्सेप्टेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी।
अब एक्सेप्टेंस का क्या मुराद है? अगर आपने एक्सेप्टेंस आपको मिली है कि आपकी ट्यूशन फीस एंड हो गई है, तो आपको ट्यूशन फी स्कॉलरशिप मिली है, तो उस बेसिस पे ये है कि आप उस आ सकते हैं और यहाँ पे आप लेक्चरशिप की तरह और डिफरेंट वे से आप स्कॉलरशिप के लिए मतलब आप अपना जो एक्सपेंसेस है वो कवर कर सकते हैं। ओनली फी वेवियर पे क्या स्कोप होता है? ओनली फी वेवियर भी अच्छा है अगर आपको रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ फी वेवियर भी मिल रहा है तो देट वुड बी इनफ के आप यहाँ पर आकर अपनी लेक्चरशिप से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। आपको डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स ले रहे हो और लैब्स करवा रहे हो, लेक्चर्स करवा रहे हो, लेकिन $70, $80, $100 पर और आपको किसी भी तरह के लेक्चर के मिलते हैं, तो फी वेवियर भी अगर आपको मिलती है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आपको स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिले ताकि आप अपनी रिसर्च पे फोकस कर सको, लेक्चर्स पर नहीं। कैन यू डू PhD आफ्टर मास्टर्स बाय कोर्स वर्क इन ऑस्ट्रेलिया? मास्टर्स बाय कोर्स वर्क इन ऑस्ट्रेलिया के बाद डेफिनेटली आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने बैचलर्स में तो थीसिस वर्क किया होता है, उसके बाद आप मास्टर्स के कोर्सेज भी काउंट करवा सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है, इट्स नॉट कि इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रेफरेंस वही होती है कि मास्टर्स बाय थीसिस अगर हो तो। विच कंट्री सूटेबल टू स्टडी ऑन स्टूडेंट वीजा विच इज अफोर्डेबल? दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह से जा रहे हो। अगर आपने प्योरली फी पे करके जाना है तो और डिफरेंट कंट्रीज हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मास्टर्स में फी पे करके आना चाह रहे हो तो आपका काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। आप कहें कि वो तो आपको सेमेस्टर फी पे करनी है अप्रोक्सीमेटली $13,000 to $15,000, वो आपको हर सेमेस्टर पे करना है, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। बुरहान ने पूछा कि हमें अप्लाई करने से पहले प्रपोजल रेडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेहतर ही होता है कि आपके पास प्रपोजल हो, क्योंकि अगर सुपरवाइजर आपको कहें कि आपका आपके पास कोई प्रपोजल है तो आप उनको बता सकें कि मैंने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया हुआ, एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप कहें कि नहीं, आप कहेंगे तो मैं प्रपोजल प्रिपेयर कर दूंगा, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। नॉर्मली सुपरवाइजर बाद में प्रपोजल चेंज ही करवाते हैं क्योंकि आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर ही होता है कि आपके पास प्रपोजल होना चाहिए। हिमोन पूछ रहे हैं कि मास्टर्स विदाउट रिसर्च, तो ये प्योरली कह लें कि वो है कि आप मास्टर्स में कोर्स वर्क कर रहे हो, आप फी पे करके आ रहे हो, आप $13,000 to $15,000 पर सेमेस्टर पे करोगे यूनिवर्सिटी को, तो उतनी उसके हिसाब से आपको जॉब भी करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम के लिए कुछ स्टूडेंट्स मैनेज कर पाते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी कर पाते। तो ये जिन जो स्टूडेंट्स मास्टर्स बाय कोर्स वर्क पे आए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस बेटर शेयर कर सकेंगे। इज इट बेटर टू डू मास्टर्स और PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कंसीडरिंग द लिविंग एक्सपेंसेस एंड स्कॉलरशिप? इट इज रियली गुड टू डू PhD और मास्टर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अगर आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर इवन इफ यू आर टू पर्सन यू कैन इजिली मैनेज द एक्सपेंसिस ओवर हेयर फ्रॉम द स्कॉलरशिप यू आर गेटिंग, और उसके अलावा आप लेक्चरशिप कर सकते हो। आपको जो स्कॉलरशिप है, जो वीजा है, वो आपको बाउंड नहीं करता कि आप एक्स्ट्रा लेक्चरशिप नहीं करते, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप्स की कंडीशंस होती हैं। कुछ स्कॉलरशिप 8 hours अप्लाई आपको प्रूव करती हैं कि आप सिर्फ 8 घंटे पर वीक लेक्चर्स ले सकते हो या काम कर सकते हो, कुछ 12 करती हैं, डिपेंड। समीना जफर इज आस्किंग के आइट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल कंट्रीज? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 90 to 95% स्कॉलरशिप्स में आइट्स नेसेसरी है। इंग्लिश प्रोफेंसी की बेसिस पे आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल सकता है, लेकिन बहुत कम जगहों पे है, कुछ में बहुत मुश्किल है कि आपको आइट्स के बगैर मिले। कुछ स्कॉलरशिप में डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली आइट्स रिक्वायर्ड होता है। वट इज GRE? डस GRE हेल्प? GRE ऑस्ट्रेलिया में मैटर नहीं करता, मैंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं देखी जिसको GRE की बेसिस पे स्कॉलरशिप मिली हो। इज देयर एनी बैचलर स्कॉलरशिप? बैचलर स्कॉलरशिप का मुझे अंदाजा नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट फॉर एहतिशाम RTP या फिर डिफरेंट जो है ना, अगर आप इनकी अपनी वेबसाइट पर भी जाकर देखें तो यू विल फाइंड आउट कि इनकी डेडलाइंस जो है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइंस हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस नहीं है, तो अपन में सर्च कर सकते हैं। आई एम फिलिंग बॉटनी विथ 3.0 GPA, विच कंट्री सूटेबल? आपका मास्टर्स है बॉटनी में, तो आप डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं डेफिनेटली। इसमें कंपल्सरी नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जाना है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड डिस्कशन हो रही है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
मोहसिन ने दोबारा पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेंसिव, आप कुछ और कंट्री बताएं। तो नॉर्मली जितना मुझे अंदाजा है तो जर्मनी में और स्वीडन है, मतलब जर्मनी में जिन यूनिवर्सिटीज की फी नहीं है, ठीक है, तो आप उनमें अप्लाई करें अगर अपने मास्टर्स अपने एक्सपेंसिव से ही करना है तो। आवर रिसर्च मैचेस विद प्रोफेसर 2 और 3 ईयर ओल्ड रिसर्च, आप डेफिनेटली उसका लिंक दे सकते हैं। और लेकिन जो सुपरवाइजर्स अभी काम कर रहे हैं, आप इसको समझे ना कि अगर आपके कोई भी प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर है तो उसकी उस रिसर्च प्रोफाइल में एक पब्लिकेशन है जो कि अभी आई है 2019 में, अगर वो एक अच्छी ट्रांजेक्शन की पब्लिकेशन है या फिर एक अच्छे जर्नल की पब्लिकेशन है तो कम अज़ कम वो काम भी उसने 1 साल पहले किया होगा। लाइक अगर कोई भी अभी 2019 की पब्लिकेशन है तो उसको पब्लिश होने में भी 6 महीने 1 साल लग गया, तो वो काम हो सकता है प्रोफेसर उससे भी आगे चल चुका हो। तो आप रिसेंट से थोड़ा सा इंक्लाइन रखें खुद को। एमफिल करना हो फीमेल ने तो उसने भी, उसके साथ डिपेंडेंट को भी वीजा मिल जाएगा। स्टूडेंट वीजा पर आप अपने डिपेंडेंट मतलब स्पाउस को बुला सकते हो, उसमें आप वीजा का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। वट इज एज लिमिट फॉर डॉक्टोरल कैंडिडेट टू अवेल फुली फंडेड स्कॉलरशिप? एंड देर इज नो एज लिमिट फॉर डॉक्टोरल कैंडिडेट इन ऑर्डर टू अवेल एनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप। कोई एज लिमिट नहीं है, मैंने आज तक कोई एज लिमिट नहीं देखी। पीएचडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप क्यूएस रैंकिंग देख लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या फिर मैनेजमेंट साइंसेज में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है। टेल मी हाउ मेनी वर्किंग आवर्स आर अलाउड मास्टर्स कोर्स। अगर हम मास्टर्स बाई कोर्स वर्क पे आ रहे हो तो आपको जो वर्किंग आवर्स हैं वो 20 आवर्स अलाउड होते हैं मेरे ख्याल से पर वीक। विदाउट स्कॉलरशिप रेहान मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, जो इस उस वीजा पर आए हैं या फिर उस डिग्री के लिए आए हैं वो बेटर कंफर्म कर सकेंगे। फोजी इज आस्किंग आई हैव पीएचडी डिग्री, कैन आई अप्लाई डायरेक्टली टू अ प्रोफेसर? डेफिनेटली यू कैन, यू शुड अप्लाई फॉर अ पोस्ट डॉक डायरेक्टली टू प्रोफेसर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी। आपको प्रोफेसर अप्रूव करेगा तो प्रोफेसर वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूनिवर्सिटी एज वेल, क्योंकि प्रोफेसर अगर कोई फुल प्रोफेसर है तो वो उसकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा कह लें कि वर्थ होती है, तो वो आपको डायरेक्टली भी रिकमेंड कर सकता है। आफ्टर डूइंग बैचलर्स हाउ मेनी गैप ऑफ ईयर एक्सेप्टेबल? गैप ऑफ ईयर जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये मैटर करती हैं कि आप मास्टर्स बाय कोर्स वर्क की तरफ आ रहे हैं। अगर मास्टर्स बाय रिसर्च की तरफ आ रहे हैं और आपका एक बेसिक रिसर्च एक्सपीरियंस है और आपने वो जो जो गैप है उसको प्रॉपरली कवर किया है कि आप उसमें फारिग नहीं रहे, तो गैप इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप गैप में कहें कि आप 3 या 4 साल का गैप है और आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, तो फिर डेफिनेटली द वीज़ा ऑफिसर विल क्वेश्चन कि आपने इस 3 4 साल में क्या किया। रिगार्डिंग मास्टर्स करने से पहले रिसर्च पब्लिकेशन होना लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। आपको एटलीस्ट एक बेसिक, अगर आप मास्टर्स पर रिसर्च के लिए आ रहे हैं तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि रिसर्च होती क्या है, क्योंकि सुपरवाइजर्स डेफिनेटली उसको प्रेफर करेंगे कि जिसको उन्हें रिसर्च करना सिखाना ना पड़े। डेफिनेटली एक टॉप तो एक डिफरेंट परस्पेक्टिव है कि आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रोसीड करो, लेकिन उन्हें ये ना बताना पड़े कि रिसर्च करनी कैसी है, क्या करना है। तो वो आप खुद देखें ना कि आपको 2 बंदों को रखना है, एक को रिसर्च का बिल्कुल नहीं पता और एक को काफी हद तक पता है, तो उसको प्रिफर करेंगे कि जिसको पता है। एमएस के लिए बताइए इन ऑस्ट्रेलिया बीएस फिजिक्स क्या है? 3.5 जी, 3.12 जीपीए के साथ आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो हाईली कॉम्पिटिटिव होगा। आप रेफर कर सकते हैं प्रोफेसर को 2 और 3 ईयर ओल्ड पब्लिकेशन। कोशिश ये करें कि आप रीसेंट पब्लिकेशन की तरफ भी अपनी ओरिएंटेशन रखें, क्योंकि जो रीसेंट पब्लिकेशन होंगी वो भी प्रोफेसर ने 1 साल पहले वो काम किया होगा, तो हो सकता है वो उससे भी आगे मूव ऑन कर चुके हों। आई एम एन स्टूडेंट एंड वांट टू एमफिल फ्रॉम। डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की तरफ और स्कॉलरशिप की तरफ देख सकते हैं। गाइड मी अबाउट स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी। बिलाल इसी रिलेटेड पूरा डिस्कशन हुई है 1 घंटे की, तो आप जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह देख लीजिएगा। व्हाट आर द लेक्चर्स? वकास आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट आर द लेक्चर्स, इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दें। इंजीनियर दानिश पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेफिनेटली सब फील्ड्स के ऊपर रिसर्च स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप उनमें अप्लाई करें, ये ब्राइट चांस अगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है।
हम 5 मिनट और देखते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इंशाल्लाह सेशन एंड करते हैं कि अपना जेन्युइन रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर से शेयर करना चाहिए। आई हर्ड दैट इफ यू आर नॉट प्रोफेसर, नॉट प्रोफेसर ईमेल आईडी विल बी शो। नहीं, आप अपना जेन्युइन रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर से देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जेन्युइन रिसर्च प्रपोजल से आपकी क्या मुराद है। रिसर्च प्रपोजल इज अ रिसर्च प्रपोजल जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है जो आप सोच रहे हो कि आप एक नॉवल काम कर रहे हैं वो दुनिया में कितने लोग कर रहे हो, तो कोशिश ये करें आप 2-3 प्रपोजल्स बनाएं और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो सुपरवाइजर की प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग उनको सबमिट करें। और ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि अगर आपकी प्रोफेशनल ईमेल नहीं है तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पर्सनल ईमेल से, मतलब जैसे जीमेल है उसे, लेकिन ये कि वो एक अच्छी ईमेल बनी हो, क्योंकि बहुत अजीब अजीब सी ईमेल्स बनी होती हैं, डॉक्टर और इंजीनियर और अजीब अजीब सी ईमेल्स बनी होती हैं। तो एक प्रोफेशनल ईमेल जो आपके नेम के साथ हो, सरनेम के साथ हो, उसमें अप्लाई करें। आई कंप्लीट एम एस सी साइकोलॉजी ना, व्हाट शुड आई डू। एम एस सी मेरे ख्याल से 4 ईयर्स डिग्री है ना, तो अगर आपका प्रीवियस रिसर्च वर्क नहीं है तो आप कोशिश करें कि कुछ रिसर्च बेस्ड काम करने के बाद आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। एम एस सी के बाद स्कॉलरशिप थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वंस यू हैव द ऑफर लेटर हाउ मच टाइम वीजा प्रोसेसिंग टेक्स, ये इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो और इन्होंने एक और चीज़ भी, ओवरसीज हेल्थ हेल्थकेयर का भी हाईलाइट किया, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है। कुछ लोगों को आप कहें कि वीज़ा 10 दिनों में भी एलोकेट हो जाता है, और इवन कुछ लोगों को विदाउट एनी इशू वो वीज़ा कह लें कि 6-6 माह तक भी डिले होता है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपने लैपटॉप को चार्ज कर लूँ। वीज़ा प्रोसेसिंग 10 डेज से लेके मल्टीपल मंथ्स तक जा सकती है, डिपेंड्स कि आप किस तरह से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये कि अक्सर होता ये है कि कुछ कंसल्टेंट्स जो है ना वो वीज़ा आपकी एप्लीकेशन भी डिले कर देते हैं, या फिर आपकी एप्लीकेशन ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर रहे। तो हाँ, अब मैं ये कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप किसी लोकल कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें। हमेशा कुछ जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, जो रीनोन्ड हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं कि ये वाले हमारे ऑथोराइज एजेंट्स हैं, तो उनके थ्रू ही अप्लाई करें। और ओवरसीज हेल्थ कवर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओवरसीज हेल्थ कवर हेल्थ कह लें कि आपकी वो है हेल्थ को कवर करते हैं, यहाँ पे जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आपको प्रीवियसली परचेज करना होता है आपको स्कॉलरशिप मिलने के बाद। कुछ स्कॉलरशिप्स कम्प्लीटली ओवरसीज हेल्थ कवर जो है वो कवर करती हैं, मतलब ये कि आपको 4 ईयर्स की अगर पीएचडी है तो 4 साल के लिए आपको कवर स्कॉलरशिप देगी। कुछ स्कॉलरशिप 3.5 ईयर्स को कवर करती हैं कि आपको 3.5 ईयर्स का हेल्थ कवर मिलेगा, जितने पीएचडी की ड्यूरेशन होती है नॉर्मली जिसमें कंप्लीट होती है तो उतना हेल्थ कवर मिलेगा, और बाकी 6 मंथ्स का आपको खुद परचेज करना होगा। और कुछ स्कॉलरशिप्स बिल्कुल भी हेल्थ कवर को नहीं करती, उसमें आपको खुद हेल्थ कवर जो है ना परचेज करना होता है, जो कि तकरीबन अगर आप सिंगल हैं तो $3,000 के करीब होता है, और अगर आप कपल हैं तो $3,000 प्लस $6,000 तकरीबन $9,000 होता है दो बंदों का। और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, रेट डिफर करता है इसमें। डज आर रिसर्च पेपर इन नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल गिव्स एन एज इन गेटिंग मास्टर्स। देखें, नॉन इम्पैक्ट फैक्टर से मतलब क्या है, अगर वो IEEE का, एल्सवेयर का, स्प्रिंगर का, एक अच्छे पब्लिशर का नॉन इम्पैक्ट जर्नल है तो फिर एक एज देगा। लेकिन अगर किसी लोकल कोई जर्नल है, कोई इंडियन जर्नल है, या फिर कोई ऐसा जर्नल है जो कि किसी पब्लिशर से लिंक नहीं है, तो उसको बेशक मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल में अडअप ही ना करें कि वो नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा। असद अली पूछ रहे हैं समर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट समर एक्सचेंज प्रोग्राम, आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। हाउ टू कॉन्टेक्ट विद प्रोफेसर, हाउ टू कॉन्टेक्ट विद प्रोफेसर के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है इसी वीडियो में, तो जब ये वीडियो एंड हो जाएगी आप एंड पे इंशाल्लाह देख लीजिएगा। मोटिवेशन लेटर क्या होता है, मोटिवेशन लेटर और या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप किस तरह से मोटिवेट हुए स्कॉलरशिप के लिए या फिर इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट इस ग्रुप में मौजूद हैं, आप उनसे हेल्प आउट हेल्प ले सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स के लिए बीएस में कितनी सीजीपीए होनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आप किस डिग्री के लिए, किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एट योर यूनि वन शुड अप्लाई बाई यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर। डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए कभी भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, आप डायरेक्ट सुपरवाइजर को कांटेक्ट करें और उनके पास जो फंडिंग्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि हमने 5-6 फंडिंग्स पहले डिस्कस की हैं, तो उनके उनमें से जो भी फंडिंग अवेलेबल होगी सुपरवाइजर के पास, वो आपको बता देगा कि आप इसमें अप्लाई करें। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप, इट इज देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर इन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएससीएस किया हुआ है, 3.5। डेफिनेटली अगर आपका 3.5 जीपीए एक अच्छा जीपीए, और आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए एफर्ट कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए और इवन डायरेक्ट पीएचडी के लिए अगर आपकी एक अच्छी रिसर्च प्रोफाइल है तो। या नहीं, क्योंकि अगर आप कोई चीज का डर है कि प्रोफेसर बाद में उस रिसर्च प्रपोजल पे खुद काम कर लेंगे और आपका आइडिया चोरी हो जाएगा, तो आप एक नया रिसर्च प्रपोजल बना लें और उनसे डिस्कस उनको वो सबमिट करवा दें। आप डेफिनेटली अगर आप एक चीज एक फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। सब क्लास 4 से 6 वीजा इज आफ्टर योर बैचलर्स, और जो उस वीजा पर आए हैं वो उससे ज्यादा उसके उसमें बेहतर इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली स्कॉलरशिप ओरिएंटेड सेशन है, तो 4 से 6 के ऊपर मैं डिटेल में नहीं बता सकूंगा। हर फील्ड के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, आपको सर्च करने हैं अपने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स की प्रोफाइल्स देखकर और उनसे कांटेक्ट कर कर। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। हाँ, अगर आपका जीपी अच्छा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। इसमें लाइक हमारी पूरी डिस्कशन ही इसके ऊपर हुई है। व्हाट एफर्ट्स कैन इट डू फॉर पोस्ट डॉक्स? पोस्ट डॉक्स आर अवेलेबल इन अप्रोक्सीमेटली एवरी यूनिवर्सिटी इन एवरी फील्ड, तो यू शुड अप्लाई फॉर इट। विच वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट? एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आरटीपी बेस्ट है उनके लिए, और इसके अलावा सुपरवाइजर्स के पास जो अपनी पर्सनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, एआरसी ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल की स्कॉलरशिप, वो बहुत बेहतर है। और एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। डेडलाइंस और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैं काफ़ी डिटेल में ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोहम्मद तैयब ताहिर, जो आप रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं, तो वो जर्नल किस पब्लिशर का है ये मैटर करता है। अगर आपका एक लोकल पब्लिशर है, जैसे इंडियन जर्नल्स के कौन कौन से पब्लिशर होते हैं, हिंदावी और मतलब और अजीब अजीब तरह के पब्लिशर, हिंदावी तो नहीं, हिंदावी फिर भी कुछ लेजिट है, लेकिन कोई लोकल पब्लिशर है, तो वो आपकी प्रोफाइल में पॉजिटिव इम्पैक्ट के बजाय एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो कोशिश ये करें कि एक अच्छे जर्नल में, अगर उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं भी है, तो एक अच्छा पब्लिशर हो, जैसे आई ट्रिपल ई है, एल्सवेयर है, या फिर स्प्रिंगर है, तो इसमें पब्लिशर्स की तरफ जाएं। हाउ अबाउट लीविंग माई यूनिवर्सिटी इन सेकेंड ईयर रैंक 3.5, ज्वाइनिंग यूएमटी बुडापेस्ट रैंक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? रैंकिंग, अगर आप रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए आ रहे हैं, तो रैंकिंग मैटर ये करती है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से उसके बाद बिल्डअप होती है। हाउ मेनी वर्किंग आवर्स अलाउड ड्यूरिंग मास्टर्स? अगर मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के लिए आ रहे हैं, तो आपको 20 वर्किंग आवर्स अलाउड होते हैं, लेकिन कोर्स वर्क, हम अभी रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं। एमएस इन सिविल इंजीनियरिंग हमारे साइड को आई 6.5 रिक्वायर्ड है, और कुछ स्कॉलरशिप्स में नो लेस देन 6। केपीके के डोमिसाइल होल्डर्स को ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी भी डोमिसाइल होल्डर को ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसमें कोई वो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इवन आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में तो डोमिसाइल आपसे मांगेगा भी कोई नहीं, तो उसमें कोई वो मैटर नहीं करता। डू यू रिकमेंड टू कम ऑन वॉशिंगटन अकॉर्ड वीजा? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। अगर आप
यहाँ पे आके एक प्रॉपर प्लान के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आए कि आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, किस तरह से प्रोसीड करेंगे। स्टार्टिंग के डे टफ होते हैं वाशिंगटन अकॉर्ड पे जो लोग आए हैं उनके लिए, लेकिन इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन यू शुड गो फॉर दिस। और तो स्कोप ऑफ मास्टर्स इन केमिकल, स्कोप भाई हर फील्ड के अगर आपको उसमें काम आता है। आपने अगर एमफिल किया है विदाउट थीसिस, लेकिन अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज है रिसर्च की और आपको अच्छी इन डेप्थ एनालिसिस स्किल्स हैं तो आपको मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। स्कॉलरशिप फॉर एमएस इन इकोनॉमिक्स, सैयद सलमान, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है तो कोशिश ये करें कि अगर आप रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए आ रहे हैं तो एक अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड क्रिएट करें, क्योंकि जब आपसे सुपरवाइजर्स इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आईएलटीएस हर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड है कुछ एक्सेप्शनल स्कॉलरशिप्स के अलावा, और वो 6.5 और कुछ केसेस में नो लेस देन 6 रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास आईएलटीएस नहीं है तो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिल सकता है कि जब तक आप आईएलटीएस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका ये कंडीशन ऑफ लेटर, आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी स्कॉलरशिप बेशक हो जाए लेकिन आपको वीजा के लिए इश्यूज होंगे। कुछ स्कॉलरशिप जैसे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड, या फिर कुछ और स्कॉलरशिप हैं जिनमें आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं होता लेकिन उनमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डू यू रिकमेंड दैट मेल सेंट ऑन वीकेंड शुड बी रिसेंट ऑन वर्किंग डेज? अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप कोशिश करें वर्किंग डे में सेंड करके देखें। वट डू यू थिंक इज द एवरेज प्रोफाइल विच कैन गेट RDP फंडिंग इन GO8 फॉर PhD? देखिए, GO8 में फंडिंग सिक्योर करना, इट डज नॉट मैटर कि GO8 में फंडिंग लेना भी उतना ही मुश्किल है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी भी और उसमें अप्लाई कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि उस इंडस्ट्री को कितनी एलोकेट हुई है। आप जिन सुपरवाइजर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो वो फुल प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, क्या हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च प्रोफाइल भी, और आपका बेसिक मास्टर्स का GP। और वो आई ज्वाइन लेट डिड नॉट, डेट्स और रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड डिटेल डिस्कशन जो है वो इसमें हो चुकी है, बाद में वीडियो सेव हो जाएगी तो आप इसमें इंशाल्लाह देख लीजिएगा। रिसर्च बैकग्राउंड 3 पब्लिकेशंस एंड थीसिस इज गुड इनफ अगर वो पब्लिकेशन एक अच्छे वेन्यूज में है। अगर वो अच्छे वेन्यूज में नहीं है तो इट्स बेटर कि आप उन बेशक उन पब्लिकेशंस को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे वेन्यूज में, अच्छी कॉन्फ्रेंसिस में, अच्छे जर्नल्स में हैं तो डेफिनेटली दैट्स गुड इनफ फॉर अंडरग्रेड। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन के रिलेटेड डिटेल डिस्कशन इसमें हो गया है। व्हाट इज द सीन ऑफ PR इन ऑस्ट्रेलिया? PR के लिए आपको आफ्टर योर स्टडीज पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं और उनके लिए अप्लाई करना होता है, बट दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस सेशन राइट नाउ। आपने LLM के बारे में बहुत कम बात की है, क्योंकि मुझे LLM के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने उसके बारे में कम बात की है। मेरी जो अपनी फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन ओवरऑल स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम होगा। डोंट नो वट टू एड एक्स्ट्रा इन रिसर्च प्रपोजल, तो आपकी जो रिसर्च फील्ड है अगर आप इंजीनियरिंग के हैं या फिर कंप्यूटर साइंस के हैं तो कोशिश ये करें कि आप उसके जो रिसेंट रिसर्च हो रही है, जो रिसर्च पब्लिकेशन हो रही हैं तो वो देखें, सर्वे पब्लिकेशन देखें। सर्वे में नॉर्मली फ्यूचर डायरेक्शन हाईलाइट की होती हैं उन्होंने। वट इज द स्कोप ऑफ एम फिल बायोटेक्नोलॉजी? हाउ विल रिसर्च प्रपोजल रिव्यू पेपर्स? रिसर्च पेपर्स और रिव्यू पेपर्स असिस्ट करते हैं डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स में अगर वो अच्छे वेन्यूज में पब्लिश हों। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, निम्स, राजपूत, जितनी भी स्कॉलरशिप के नाम हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन हुए हैं, उनके रिलेटेड डिटेल भी इस वीडियो में है। जब ये सेव हो जाएगी आप इंशाल्लाह उसके बाद देख लीजिएगा, और उसके बाद मैं इस वीडियो के एंड पे लिंक्स भी इंशाल्लाह दे दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जनरल रिक्वायरमेंट्स सब डिटेल में एक्सप्लेन हो गई है मदन दी में इस वीडियो में, एज इट इज एनी स्कॉलरशिप फॉर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के लिए भी काफ़ी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, डिपेंड्स कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। पब्लिकेशन रिकॉर्ड फॉर MS के लिए पब्लिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक अच्छा रिसर्च
बैकग्राउंड है आपको पता है, तो आप इंटरव्यू में सुपरवाइजर को डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पब्लिकेशंस और नॉट द रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास अच्छी रिसर्च नॉलेज है तो वो ओवरकम कर सकती है पब्लिकेशंस को। और MS इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुई है। अप्लाइड फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, इस ये बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स हैं इस फील्ड ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर पे एग्रीकल्चर, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, तो इनके ऊपर डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। रिसर्च बीइंग डन इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इवन मेरे रिसर्च ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग डेटा साइंसिस के ऊपर, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मॉडर्न जो फील्ड है उनके ऊपर, लाइक उनके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिज्म अप्लाई करना और किस तरह से उनको, मतलब रीसेंट ट्रेंड्स के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स तो बहुत ओल्ड टॉपिक है ना। व्हाट इट इज बेटर फॉर एक्सेप्टेंस अप्लाइंग टू अ फुल प्रोफेसर और एन असिस्टेंट, इट डिपेंड्स कि आपको कोई भी, जिसके पास भी स्कॉलरशिप होगी वो आपको अप्रूवल दे सकते हैं। PhD की स्कॉलरशिप कंपेरेटिवली इजी होते हैं सिक्योर करना एज कम्पेयर टू मास्टर्स, क्योंकि एप्लीकेंट्स थोड़े से कम होते हैं, मास्टर्स के लिए एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं। शुड वन सुपरवाइजर फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी बी कॉन्टेक्टेड और वी कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट मल्टीपल सुपरवाइजर्स, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उस फील्ड के जितने भी सुपरवाइजर हैं एक यूनिवर्सिटी में उनको ईमेल करना स्टार्ट कर दें। कि मतलब ये नॉर्मली अगर लंच टाइम होता है तो सुपरवाइजर इकट्ठे बैठते हैं और ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें इतनी एप्लीकेंट्स है, या फिर ये डिस्कशंस हो रही होती हैं सुपरवाइजर्स के रिसर्च ग्रुप में। इवन कुछ सुपरवाइजर्स आपस में भी लिंक्ड होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्होंने किस स्टूडेंट को रखा है। तो अगर आप दो बंदों को एक ही टाइम पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो अपन के को ऑथर्स देख सकते हैं कि एक इनके साथ को ऑथरशिप कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको आप अप्लाई ना करें। मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट, अगर आपका MS है तो मिनिमम CGPA 3+ हो तो बहुत बेहतर है। अगर आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के बाद, तो यू नीड अ वेरी हाई GPA। इज IELTS कंपल्सरी फॉर PhD? IELTS इज कंपल्सरी फॉर 90 to 95% स्कॉलरशिप्स इन PhD। हम 2 मिनट और देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं, काफ़ी डिस्कशन होगी, तो इसके बाद और भी क्वेश्चन हो तो हम इसमें इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए 8:30 पर इंशाल्लाह इस सेशन को एंड करते हैं। आई बिलीव देर इज नो मोर क्वेश्चन, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।